हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैंने एक एक्टिविटी बनाया था बेटे के लिए। तो इधर मुझे मैकडोनल्ड से बर्गर का ऐसे कटआउट्स मिला था, तो उसको मैं हार्ड बोर्ड में चिपका के उसके अलग अलग सेक्शन में उसको मैंने काट लिया है और इसको पजल जैसा हो गया है। और ये खेलने के लिए बच्चे को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया था। तो ऐसे इसी वाले पजल्स आप भी घर में बना सकते हो, वही मैं इधर आपको बता रही हूँ। और उसके बाद लंच का टाइम हो गया है, तो अभी लंच बनाने जाऊंगी। तो लंच के लिए मैंने क्यूनोआ बनाया था, तो उसको मैंने भिगो के रखा था मूंग दाल के साथ ओवरनाइट। और नेक्स्ट डे सुबह मैं प्रेशर कुकर में बना रही हूँ। तो इसमें प्रेशर कुकर को गर्म करके उसमें मैं थोड़ा सा ऑयल डालूँगी। मैंने कोकोनट ऑयल का यूज़ किया है और इसमें मैं साबुत तो गरम मसाले और थोड़ा जीरा डालूंगी और इधर तेज़पत्ता भी डाल रही हूँ। इसके बाद मैं थोड़े कुटे हुए अदरक डाल दूंगी। अगर आप इंटरेस्टेड हो पूरा रेसिपी जानने के लिए और क्वांटिटी जानने के लिए, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो मैं पूरा शेयर करूंगी। ये कुकिंग वीडियोस नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रही हूँ। तो इधर मेरा कैमरा ऑफ हो गया था और मैंने वेजिटेबल्स डाल दिया है, तो मैं अभी एक एक करके आपको दिखा दे रही हूँ कि मैंने कैसे डाला है वेजिटेबल्स। ज़्यादातर वेजिटेबल्स मैंने बड़े बड़े पीसेस में ही काट के डाला है, जैसे गाजर हो गया, और बेबी पोटैटोज मैंने काटा नहीं है, पूरे होल ही डाला है क्योंकि बच्चे को होल पसंद है पोटैटोज। और ब्रोकोली डाला है, थोड़ा ये ग्रीन पीस डाला है, और इसके साथ टमाटर भी डाला है मैंने। टमाटर भी बड़े बड़े टुकड़ों में ही मैंने काटा है। और सबको थोड़ा सा अच्छे से मिला के मैं मसाला डाल दूंगी। अभी मसाले में मैं हल्दी पाउडर डाल रही हूँ और इसके साथ साथ मैं जीरा पाउडर डालने वाली हूँ। अब मैं जो ओवरनाइट सोक किया हुआ क्यूनोआ और मूंग दाल है, दोनों को मैंने एक ही पॉट मतलब एक ही बर्तन में एक साथ सोक किया था, तो दोनों डाल दूंगी इसमें। नमक डाल दिया मैंने सब कुछ को, और एक बार स्टर करके मैं इसमें और थोड़ा सा पानी ऐड करने वाली हूँ, और उसके बाद प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद करके मैं इसको पकने दूंगी। मैं प्रेशर कुकर को हाई फ्लेम में नहीं बनाती हूँ, मैं हमेशा एकदम सिमर पे रखती हूँ, और प्रेशर कुकर खुद से सीटी रिलीज़ करने तक मैं उसको ऐसे छोड़ती हूँ। तो वैसे ही पका लूँगी और उसके बाद मैं बेटे को सर्व कर दूँगी इसको। तो मैंने इस क्यूनोआ खिचड़ी को बच्चे को फ्राइड चिकन और थोड़ा क्यूकम्बर के साथ सर्व किया है, और मेरे लंच के लिए था सलाद और फ्राइड चिकन। और आशा करती हूँ ये पूरा वीडियो आपको अच्छा लगे। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।